गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पाठ वो अपूर्व अध्ययन वाला पाठ अध्ययन किया था, पाठ 10। उसके बाद में अपने सिलेबस में, न्यू सिलेबस में जो एनसीईआरटी वाला है उसके अंदर न्यू सिलेबस में पाठ 13 है, एक तिनका। इस पाठ को अपन अध्ययन करेंगे। जो ये कविता है इसके लेखक, इसके कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय है। पाठ 13 आप मेरे साथ साथ निकालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। मेघमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में पड़ा। मैं झिझक उठा और बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह कविता, ये जो अपनी ये कविता के कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये प्रसंग बसंत भाग 2 में संकलित एक तिनका नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इसका मैं अर्थ करूंगी, आप भी मेरे साथ साथ इसका अर्थ करें। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, कवि इसमें बता रहे हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, यानी घमंड यानी अहंकार में भरा हुआ और ऐठा हुआ, इतराता हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। जब एक दिन मैं अपनी छत मुंडेर यानी छत पर खड़ा हुआ था, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कि अचानक एक तिनका कहीं से आकर, उड़ता हुआ एक तिनका आया और वह मेरी आँख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। कि मैं झिझक यानी अचानक से हतप्रभव होकर, अचानक से झिझक उठा, अचानक उठा और बेचैन सा होने लगा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। कि जब तिनका मेरी आँख में गिर गया तो तिनके के कारण मेरी जो आँखें हैं वह लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। मूठ देने यानी कि जब हमारे आँख में कुछ गिर जाता है तो क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा लेकर और उसकी ऐसे फूंक लगाकर कपड़े पर सिकाई, कपड़े से आँख की सिकाई करते हैं। तो मूठ देने लोग कपड़े की लगे, कि जब लोग दूसरे लोग आए और वह कपड़े की मूठ यानी कपड़े की वो भाप बनकर अपनी आँखों में देने लगे। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, जो मेरी ऐठ थी, जो मेरी अहंकार था, वो दबे पाँव आगे की ओर बढ़ गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से वह ढब यानी तरीका से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से वह तिनका मेरी आँख से निकल गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। तब मेरी आत्मा रूपी समझ ने मुझे इस प्रकार के ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, कि हे व्यक्ति तू इतना अहंकार क्यों कर रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। यानी कि इसमें कवि बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत होता है। जो कि हम घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, तो अहंकार किस बात का करना, कि अहंकार तो अहंकार से हम हमेशा नष्ट होते रहते हैं। और इसके लिए तो एक छोटी सी वस्तु, अगर हमारा अहंकार हमें नष्ट करना है तो सिर्फ एक छोटी सी वस्तु जो कि एक तिनके के माध्यम से भी वह अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इसमें, इस कविता में, पूरी कविता में व्यक्ति ने, इसमें कवि ने अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनके को इसका पर्याय बताया है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। आप इस पाठ की पूरी अर्थ की इसकी व्याख्या करेंगे। पाठ जो 13 एक तिनका, जिसकी मैंने व्याख्या अभी आपको करवाई है, इसका अर्थ करवाया है, इसका अर्थ करेंगे अगले वाले वीडियो में। फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।